7 बज चुके हैं और हमें जाना है चर्च। और आज मैं लेट हो गया हूँ चर्च जाने के लिए, क्योंकि आज हमारे चर्च में प्रोग्राम है, आज फेस्टिवल है चर्च का। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि हम लोग को जल्दी उठना था और हम लोगों ने जल्दी उठा नहीं। मैं रात को लेट से आया था, लगभग 1:30 बजे के आसपास में हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया हूँ। देखो, इन लोगों को बाहर निकाल के यहीं पर छोड़ दिया हूँ, इन लोगों को बाहर में रखा हूँ। अगर इन लोगों को अंदर में छोड़ दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, पूरा उधमबड़ मचाएगा, पूरा घर को सत्यानाश करके रख देगा। इसलिए तीनों घर के बाहर में है। और अभी हम जाएंगे चर्च, हो सकता है जुलूस, अभी तो प्रोग्राम जुलूस का प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया होगा और मिस्सा चालू हो जाएगा अभी, तो उसी के लिए जा रहा है। जल्दी से जल्दी पहुँचे, बस लेट होते जा रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा लेट होते जा रहा हूँ अभी। रिया हो गया ड्राइवर, ये पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठो, अभी पीछे बैठो, यहाँ बैठो ना। अरे यार बैठ जाओ ना यार, क्या फर्क पड़ता है। हाँ खोल रहा हूँ। पहुँच गया चर्च और शायद जुलूस भी चालू हो। हम लोग गलत फहमी में था कि जुलूस हुआ नहीं है करके, जुलूस हो चुका है घर पे और उन लोग वापस आ रहा है। मुझे लगा भाई जुलूस हुआ नहीं, अभी होना चालू होने वाला है करके, लेकिन अभी पता चल रहा है कि जुलूस वगैरह ख़त्म होकर उन लोग घूम फिर के आ गए और हम लोग चर्च के अंदर घुस गया था करके। अभी मैं पानी लेने आया हूँ, आंटी मेरे को भेजिए पानी लेके आने के लिए। देखिए देर बारिश में भीग नहीं सकता। मम्मी और प्रिया जो है पीछे में, देखो वहाँ पे उन लोग बात कर रहे हैं, ये देखो उन लोग बात कर रहे हैं भैया के साथ में। अब कब तक उन लोग इधर आएंगे पता नहीं, इसलिए छाता पहुँचा दिया उनके पास और मैं कार में। दोनों आप लोग दोनों पीछे बैठ जाओ पहले, क्योंकि उस तरफ में मैं बिठाता हूँ। हाँ चलो ठीक है, जल्दी से बैठो वरना ब्लॉक। मनु 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 प्रिया को बोला था खाना खाने के लिए आने के लिए, अब मेरे नंदा वो शायद आएगा। उधर ही रख दो, उधर ही पैर के पास खाना झर्राओ ना, उसको झर्राओ ना पहले। हाँ उच्च फोटोग्राफर के पास जाएंगे, उन्होंने जो फोटोज़ और वीडियो एडिटिंग करके मिक्सिंग करके रखा हुआ है उसको हम पेन ड्राइव में जो है उसको कॉपी कर लेंगे और उनका जो बैलेंस पेमेंट है उसको भी देने के बाद हम जाएंगे नाश्ता लेने के लिए। प्रिया और मम्मी बोल रही कि डोसा और वड़ा खाएंगे करके, तो वड़ा और डोसा लेते हुए आए है कि नहीं पता नहीं, नहीं आ रहा देखता हूँ। हाँ खुला है, खुला है, खुला है, खुला है, खुला है, खुला है, खुला है। चलो जाके भैया के पास अपन वीडियो और फोटो ले लेते हैं।
अभी अपना फोटो स्टूडियो से हमारा वीडियो और फोटो जो हमारा मिक्सिंग हुआ था वो कलेक्ट कर लिया है। अभी मैं जा रहा हूँ नाश्ता लेने के लिए। मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे अभी नाश्ता लेने के लिए। भाई 3 डोसा मसाला डोसा पार्सल और 6 पीस वड़ा पार्सल, ठीक है। कितना देर लगेगा? पक्का? हाँ, बस लेट नहीं होना ना, घर में ऑलरेडी लेट हो चुका है। डोसा और वड़ा मैंने दोनों ले लिया हूँ, अभी चलते हैं घर। बहुत देर हो चुका है ऑलरेडी, बहुत लेट हो चुका है आज नाश्ता। वैसे वाकई में बहुत लेट कर रहे हैं हम लोग। अभी दोपहर में चर्च का प्रोग्राम बचा हुआ है तो खाना पीना भी वहीं होगा, सुबह में नाश्ता भी वहीं होना था लेकिन हमें वो मिला नहीं। उनके पास से कूपन लेना पड़ता है तो वो कूपन हम लोग दिखाएंगे तब हमको नाश्ता और क्या बोलते हैं खाना मिलेंगे। अब देखता हूँ इन लोगों का प्रोग्राम क्या है। इन लोग दोनों अगर प्रोग्राम कैंसिल कर दिया होगा तो फिर जाएंगे नहीं। हाय, गुड मॉर्निंग। बैग इसी गाड़ी में छोड़ गया गाड़ी लॉक। हाँ, गाड़ी गियर में तो बात। हाय स्कूबी, ए कुकू, साइड हो जा, साइड हो जा, साइड हो जा, मैं तो चला गाड़ी। चलो 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 आ गया आ गया आ गया आ गया। ये लो ये लो। हाँ बहुत लेट हो गया, क्या करो यार, वो सिस्टम में से कॉफ़ी करने में। ये लो जेब से निकालो ना इसको। अरे वो क्या बोलते, वो तो चॉकलेट है। ये पेन ड्राइव। हाँ उसी में। ये लो मम्मी, चलो नाश्ता निकालो सबके लिए। झोला भी हो गया, निकाल लिए तुम्हारी सैलरी कट। ओह सॉरी। कितना वैसे पगार कितना दे रहे थे ये पहले तो बता दो। पगार कट है बोल दिया लेकिन कितना दे कहाँ है, कितना रहे थे वो तो बताओ पहले, तभी तो पगार काटने की बात करूँगा। आठ ने का पगार का बढ़ाव नहीं हो रहा है। कौन सा आसन में बैठा है भाई बता दो, ऐसा कौन सा आसन होता है बता, हैं ये कौन सा एक्सरसाइज है कुकू, ये कौन सा एक्सरसाइज है बता दो भाई। बहुत देर से ऐसे एक्सरसाइज करने आ रहा हूँ लेकिन प्रिया अभी तक तैयार नहीं हुई है, उसको रेडी होने में टाइम लग रहा है और पता नहीं हम लोग जाने के बाद पता चलेगा वहाँ पे हम लोग को खाना मिलेगा कि नहीं, करके क्योंकि कूपन ही नहीं मिला अभी तक। कूपन जब तक मिलेगा नहीं उनको दे नहीं पाएंगे कूपन, तब से तो वेट कर रहा हूँ। और मेरा दोस्त मनु भी आ गया वहाँ पे, वो फोन कर। अभी जो आज जो है ना सेंट जॉन द बपतिस्ता का बर्थडे है, मतलब उनका जन्मदिवस है, तो उस त्यौहार को हमारे चर्च में मनाया जाता है क्योंकि उनके नाम से है ये चर्च। फाइनली हम लोगों को टोकन भी मिल गया और हम लोगों ने खाना भी खा लिया और खाना एक नंबर था ना, मतलब जो चिकन भी था पनीर भी था अपन जो बोले थे वो था, उसके साथ में रायता गुलाब जामुन तो मैंने 4 पीस ले लिए भाई, पूरा पूरा कसर खत्म कर दिया कि नहीं खा रहा था बोल के, वो भी हो गया है। मज़ा आ गया।